आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका टाइटल है कि किस तरह से PIR यानी प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के एंड तक, इस वीडियो में बड़े ही खास किस्म की जानकारी देंगे हम। दोस्तों वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है जी अकेडमी के द्वारा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। असल में वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस वीडियो लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। देखिए अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो PIR की स्थापना का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, जिनका नाम है मार्गरेट ओकले डेहॉफ। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मार्गरेट ओकले डेहॉफ की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से PIR की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों बात है 11 मार्च सन 1925 की। अमेरिका देश के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर में एक लड़की का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह वही लड़की थी जिन्हें आगे चल के बायोइनफॉर्मेटिक्स के फाउंडर का दर्जा मिला। देखते देखते जब मार्गरेट बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उनका दाखिला बेसाइड हाई स्कूल न्यूयॉर्क में करवाया, जहां से उन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग पास की। मार्गरेट अपने स्कूली दिनों से पढ़ने में बहुत होशियार थी, और इसी के चलते उन्हें वॉशिंगटन स्क्वायर कॉलेज न्यूयॉर्क में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की गई। इतनी मेहनत और संघर्ष करने के बाद सन 1945 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। क्वांटम केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट मार्गरेट के दिल के बहुत करीब था, और इसी विषय में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट सन 1948 में हासिल की। इसी दौरान मार्गरेट की मुलाकात एक एडवर्ड नाम के शख्स से होती है, जो कि आगे चलकर उनके जीवन साथी बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडवर्ड नेवी में सर्व करके आए हुए थे और वह पेशे से एक फिजिस्ट थे। एडवर्ड को दरअसल किसी नाम के मोहताज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय उन्होंने बहुत ही पायनियरिंग काम किया था हाइड्रोजन एटम के फाइन स्ट्रक्चर पर। शादी के कुछ सालों बाद सन 1952 में मार्गरेट और एडवर्ड दोनों काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क छोड़कर वॉशिंगटन DC राज्य के मैरीलैंड नामक शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसी दौरान मार्गरेट माँ बनने वाली होती है, और एडवर्ड को नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में नौकरी मिल जाती है। अब दरअसल इस पीरियड में मार्गरेट का रिसर्च का काम छूट जाता है। कुछ समय के बाद जब उनके बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वह वापस अपने रिसर्च के काम को लेकर थोड़ा उत्साहित हो जाती हैं, और वह 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एज अ रिसर्च फेलो काम करती हैं। साल पे साल बीतने के बाद अब शुरू होता है सन 1960, और इसी साल मार्गरेट को एज अ एसोसिएट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है NBRF में। दोस्तों असल में NBRF का सही मतलब है नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। इसके अगले ही साल से वह दिन रात एक कर देती हैं और लग जाती हैं ऐसे टूल्स बनाने में जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस के डिटरमिनेशन में प्रोटीन केमिस्ट की मदद करेंगे। इसके अलावा मार्गरेट ने कुछ ऐसे भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जो प्रोटीन सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते थे और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पता लगा सकते थे। सालों साल काम करने के बाद उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिकेशन NBRF में रिलीज होता है। इसका नाम है एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। दरअसल आपके जानकारी के लिए बताता चलूं कि एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फाउंडिंग टेक्स्ट की तरह कंसिडर किया गया था, और तो और यह दिखने में एक इंसाइक्लोपीडिया की फॉर्म में था, जिसमें कि जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस थे उन्हें सिंगल लेटर कोड में पहली बार मेंशन किया गया था। इन सिंगल लेटर कोड का फायदा यह था कि इन्हें स्टोर करने के लिए बहुत ही कम डेटा साइज की जरूरत होती थी, लेकिन इसके बाद इन सिंगल लेटर अमीनो एसिड कोड को केमिस्ट्री में अपना लिया गया। इस घटना के अगले ही वर्ष मार्गरेट ने पहला फाइलोजेनेटिक ट्री का रिकंस्ट्रक्शन किया।
अब अगले 5 साल के बाद सन 1971 की शुरुआत होती है, और यह वही साल होता है कि जब पहला PIR सीक्वेंस डेटाबेस मार्गरेट के द्वारा टेलीफोन लाइन के जरिए रिलीज किया जाता है। इस घटना के 9 साल के बाद 15 सितंबर सन 1980 में दुनिया का पहला न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेस टेलीफोन लाइन के माध्यम से NBRF के द्वारा और मार्गरेट की देखरेख में रिलीज करवाया गया। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में आज की तारीख में मौजूद है। इस इंसिडेंस के बाद मार्गरेट को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का काउंसलर बना दिया गया। साथ ही साथ वह पहली ऐसी महिला बनी जिन्हें सेक्रेटरी के साथ साथ बायोफिजिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया गया। कुछ सालों बाद मार्गरेट की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और फाइनली 5 फरवरी सन 1983 को अचानक उनका सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड में देहांत हो गया। अब यहां सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस तारीख तक भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक अलग विषय नहीं पहचाना गया। वर्ष 1984 में फाइनली अब NBRF के द्वारा PIR डेटाबेस को वर्ल्ड वाइड फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया गया। देखिए, इन सब इंसिडेंट के बाद यहां नोट करने वाले कुछ अहम चीजें हैं, जैसे कि NBRF यानी नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन एक ऐसी संस्था थी जिसको PIR के एस्टेब्लिशमेंट का दर्जा दिया जाता है। और तो और PIR यानी प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स दरअसल एटलेस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर का सक्सेसर है। अब एटलेस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर असल में एक ऐसी इंसाइक्लोपीडिया की तरह है जिसमें कुछ प्रोटीन के सीक्वेंस को पब्लिश करके हर साल मेंटेन किया गया है। और हालांकि यह बात हम सब लोग जानते ही हैं कि इस इंसाइक्लोपीडिया को मार्गरेट ओकले डेहॉफ के द्वारा ही बनाया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो लेक्चर अब खत्म होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए भी न मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। और हाँ, इस टॉपिक के कंप्लीट लेक्चर के PDF को डाउनलोड करना मत भूलना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।